नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। मऊ जिले के मधुबन थाना क्षेत्र के दोरी घाट मार्ग से दरगाह में सोमवार की दोपहर बाइक सवार युवकों द्वारा एक व्यक्ति का मोबाइल रुपए छीनने की कोशिश की गई, जिसको देख दुकानदारों ने एक ही बाइक पर बैठे तीन बाइक सवारों में से एक को पकड़ लिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने पकड़े गए युवक से पूछताछ कर उसे थाने ले गई। चश्मदीदों की माने तो बाइक सवार तीन युवक यहाँ पर बरामद हुए हैं और ये इनके पास से तमंचा भी है और लगातार इस तरह की घटनाओं को पहले भी अंजाम दे चुके हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के 6 कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस मामले में लखनऊ के मड़ियाव थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि धमकी देने वाले लोगों के बारे में जानकारी की जा रही है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दरअसल सोमवार रात करीब 8 बजे एक व्हाट्सएप ग्रुप पर लखनऊ के अलावा आरएसएस के अन्य 5 कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिस पर उत्तर प्रदेश के 2 कार्यालय और 4 कर्नाटक के कार्यालय शामिल है। व्हाट्सएप ग्रुप में 3 अलग अलग भाषाओं में धमकी दी गई है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी और कन्नड़ भाषा का इस्तेमाल किया गया है। आरएसएस कार्यालय को बम चुराने की धमकी के बाद एटीएस और खुफिया एजेंसी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। ताजनगरी आगरा में लगातार चोरों के हौसले बुलंद देखे जा रहे हैं। वहीं देहात क्षेत्र के सभी थाना क्षेत्रों में लगातार चोर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वहीं अब तक खैरागढ़ कोतवाली थाना, सैयद थाना, इरादत थाना, जगनेर थाना, बसई जगनेर थाना, इस थाना क्षेत्रों में इन महीने लाखों रुपए की चोरी की घटनाओं को चोर अंजाम दे चुके हैं। वहीं देर रात सैयद थाना क्षेत्र के गांव मुखरई में पूर्व प्रधान के यहाँ अज्ञात चोरों ने कमरे का ताला तोड़कर राइफल, 30 कारतूस सहित चोरों ने 20 तोले सोना, 5,80,000 रुपए नकदी पार कर दिए। पूरी घटना रात की बताई जा रही है। यहाँ पर परिवार रात के समय घर पर सो रहा था, तभी चोरों ने नींद का फायदा उठाकर घर के अंदर प्रवेश किया और चोरी की बड़ी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। मेरी सासू माँ उपाध्याय नर्सिंग होम में भर्ती है 4 दिन से और मेरे पथरी का दर्द हो रहा है, तो मैं भी डॉक्टर नितिन यादव के यहाँ इलाज चल रहा है मेरा। तो कल रात को मैं 9 बजे आया, आके मुझे नींद नहीं आ रही करीब 20 दिन से, तो मेरा इलाज चल रहा है नींद का भी, यूसी करण जी का। तो नींद नहीं आ रही और पता नहीं कल मुझे कैसे नींद आ गई। रात को आँख खुली है मेरी और भैया ने आवाज दी वो छत पर से कि देख तेरे घर का ताला टूट गया। वो सब भैया आए तब देखा सब अलमारी तोड़ ताड़ के सब निकाल ले गए, राइफल ले गए, 30 कारतूस थे वो ले गए, 3 लाख रुपए कमेटी के जमा थे, वो 3 लाख रुपए मेरे पास रखे थे करीब 4 महीने के, मुझे देने थे कल 6 तारीख को, वो पैसे ले गए, 65,000 रुपए घर खर्चे के लिए मैडम को दिए थे मैंने स्कूल बंद हुए तब, वो भी ले गए, 15,000 रुपए साला दे गया था बहन जी को अपनी को, और घर का सारा जेवर जो की सासू माँ भरती है सारा जेवर ले गए, वो अपना ले गए, सासू माँ का ले जेवर में क्या क्या गया है अब क्या बताऊं सर, पूरा जेवर था कम से कम 20-22 तोला सोना। आगरा पहुंचे रेलवे अपर पुलिस महानिदेशक पीयूष आनंद जीआरपी लाइन में अतिथि गृह का उद्घाटन किया। आगरा जीआरपी लाइन में अधिकारियों के साथ बैठक की, मीडिया से मुखातिब हुए, जीआरपी को हाईटेक करने की बात कही है। आधार टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर गुम हुए बच्चों को उनके परिजनों से मिलाने का कार्य किया गया है और गांजा पकड़ने को लेकर कहा कि जीआरपी विवेचना में कमी रहती है, उसमें सुधार किया जाएगा, जो बड़े मास्टर माइंड नहीं पकड़े जाते उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। अमेठी जिले में चोरों ने पुलिसिंग पर सवाली निशान खड़ा कर दिया है। यहाँ एक ही गांव में पिछले 5 दिनों से लगातार चोर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं, वो भी तब जब पुलिस क्षेत्र में रात पर गश्त पे रहती है। यही नहीं, चोर चोरी करने के बाद मौके पर अपना कोई ना कोई औजार भी छोड़ पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत की लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल तक गवारा नहीं समझा। इससे नाराज ग्रामीणों ने कोतवाली का घेराव कर लगातार हो रही चोरियों का खुलासा करने की मांग उठाई है। और हम आए हैं इसलिए कि हमारे यहाँ पीछे 8 तारीख को रात में चोरी हुई है। मैंने 112 नंबर कॉल भी किया, आए और FIR मतलब ऑनलाइन FIR करा, लेकिन आज तक कोई पूछने तक नहीं गया है। ऐसे कोतवाली आगरों क्यों आना हुआ है? आए दिन ऐसे ऐसे आज 5 दिन हमारे समझ से 6 घर हो गया, 6ठा घर हमारे यहाँ चोरी हुआ है आसपास में, इसलिए हम लोग इकट्ठा मोहल्ले वाले मिल के चलते हैं कोतवाल साहब से अपनी सारी बात को कहते हैं कि हमारी बात को सुनी जाए। तो अभी तक आपकी सुनवाई हुई कि नहीं? अब आप हम लोग सब पूरे मोहल्ले वाले मिलकर दिए हैं
अप्लीकेशन लिख के दिए हैं, आश्वासन दिए हैं, अब होता है नहीं होता है तो मामला यह है कि हमारे महिला पॉलिटेक्निक के पीछे जो है हनुमान नगर कॉलोनी है उसमें लगातार 5 दिनों से किसी न किसी घर में चोर कूद रहे हैं। दो घरों में चोरी भी हुई है जिसकी FIR हमने पहले भी कराई है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। अभी कोतवाल साहब से उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारी गाड़ी प्रतिदिन जा रही है और उसके बगल एक सुअर बाड़ा वहाँ पर भी 10-5 लोग रात में इकट्ठा रहते हैं। सब मोहल्ले वालों का कहना है कि उसको भी हटवाया जाए जिससे गंदगी का माहौल व्याप्त है और चोरी की वजह से जान माल खतरा। जिसके घर में चोरी हुई वहाँ पर लोहे के सामान भी पाए गए हैं, राड पाए गए हैं। एक हमारे अभी डॉक्टर साहब हैं जयसवाल जी, उनके घर में भी चोरी हुई, वहाँ पर भी जो है जब लोग भागे तो लोहे का राड छोड़ कर गए हैं। अभी इनका अंकल के यहाँ भी चोरी हुई है। आए दिन हमारे मोहल्ले में चोरियाँ हो रही हैं, यहाँ तक कि 2 तारीख को मेरे घर में भी चोरी हुई है और 1 लैपटॉप, 4 मोबाइल और 30,000 रुपये हमारे घर से चोरी हो गए। सूटकेस भी बाहर चला गया था और सूटकेस वो लोग बाहर घर के बाहर फेंक के गए हुए थे। आज यहाँ पे आप लोग घेराव किए जी, इसका क्या मामला? आज हम लोग कई दिन से आ रहे हैं FIR करने के लिए, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। आज जिसके जिसके घर में चोरी हुई है पूरा मोहल्ला हनुमत नगर पूरा मोहल्ला आ करके इन्होंने थाने का घेराव किया, तब आज कोतवाल साहब ने आश्वासन दिया कि आपका FIR वगैरह होगा और सुनवाई होगी। कुशीनगर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पटेरवा थाना क्षेत्र के नारायणपुर कोठी गांव में सोमवार की रात एक सारफा व्यापारी की हत्या कर दी गई। उसका शव दुकान में पड़ा मिला। सुबह इस घटना की जानकारी हुई, घटनास्थल पर काफी संख्या में लोग पहुंचे। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पटेरवा थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर हत्या के बारे में जानकारी जुटा रही है। रायबरेली जिले के ऊंचाहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत हजारीबाग गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब खेत की रखवाली कर रहे दादा और पोते पर अज्ञात लोगों ने चाकुओं से हमला कर दिया। वहीं हमलावर घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज के लिए सिरसी पहुंचाया, जहां ज्यादा हालत गंभीर होने पर डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां दादा और उसके पोते का इलाज चल रहा है। ये घटना बीती रात की बताई जा रही है। अलीगढ़ के थाना बरला क्षेत्र के गांव मदापुर में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी पति हत्या के बाद आत्मसमर्पण करने थाने भी पहुंच गया। महिला की 4 महीने पहले ही शादी हुई थी। मृतक महिला कासगंज जिले के सहावर के गांव भिलौली की रहने वाली है। महिला के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मृतक महिला का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। आरोपी पति के विरुद्ध कार्रवाई कर जेल भेजा जा रहा है। आगरा में नशा मुक्ति केंद्र में युवक की हालत बिगड़ गई। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों के अनुसार नशा मुक्ति केंद्र में शराब छुड़ाने के नाम पर युवक को 3rd डिग्री दी गई। नशा मुक्ति केंद्र के कर्मचारी द्वारा 3rd डिग्री दी गई है जिसकी वजह से युवक की मौत हुई। बिना नाम के बिल्डिंग में नशा मुक्ति केंद्र चल रहा है। नशा मुक्ति केंद्र में नशा छुड़ाने के नाम पर कर्मचारियों द्वारा 3rd डिग्री दी जाती है। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। थाना डॉकी क्षेत्र के बुरेड़ा स्थित नशा मुक्ति केंद्र का पूरा मामला। हमीरपुर में कलयुग पुत्र ने मां को मौत के घाट उतार दिया। प्लॉट नाम कराने को लेकर मां से विवाद हुआ। आक्रोशित होकर बेटे ने मां को ही मौत के घाट उतारा। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है, जांच पड़ताल में जुटी हुई है। यह पूरा मामला जरिया थाना क्षेत्र के टालिया बाजा गांव का है। फतेहपुर में गंगा में नहाने गए 7 लोग नदी में डूब गए, जिनमें से 4 की मौत हो गई है। इनमें 2 युवती और 2 युवक शामिल हैं। गोताखोरों की मदद से 3 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि शादी में शामिल होने गए थे 7 लोग और मौत के बाद गाँव में कोहराम मच गया। जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के मातिनपुर गाँव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देवरिया के गौरी बाजार ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत बेलकुंडा और करबील ग्राम सभा में ग्राम सभा दिवस के मौके पर जनता की जनसमस्याएं सुनी गई। जनता की समस्याएं सुनने आए ग्राम विकास अधिकारी उदय मल्ल गोड़ा ने और रामकृष्ण सिंह ने कहा है कि सुबह 10 बजे से बेलकुंडा और करबील गांव में उपस्थित हूँ, लेकिन गांव के बहुत कम महिला और पुरुष अपनी समस्या को लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग से संबंधित समस्याएं आई थी और तुरंत निस्तारण करवाया गया है। अमेठी में पुलिस ने 5 चोरी के मोटरसाइकिल और एक
1200 ग्राम अवैध गांजे के साथ दो अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं। अमेठी जिले के तहसील तिलोई के जायस कोतवाली क्षेत्र से बताए जा रहे हैं, जो अमेठी पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार पांडे के परीक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी तिलोई अजय कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में अपराध और अपराधियों की धरपकड़ रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना जायस पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।